नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ कृतिका और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूं महाराष्ट्र के एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन महाबलेश्वर। तो चलिए फिर ये जर्नी शुरू करते हैं। मुंबई से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स और पुणे से 120 किलोमीटर्स इसका डिस्टेंस है, तो ईजिली बाय रोड आप दोनों जगह से ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है पुणे से। तो यहीं पे रास्ते में हम लोग रुके हैं जोशी वड़े वाला पे, यहाँ का बहुत ही फेमस वड़ा पाव है। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का वड़ा पाव। यहाँ पे आपको मिलेगा पानी, पहाड़, झरने, हरियाली, बादल, सब कुछ मिलेगा। महाबलेश्वर जितना अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उतना ही इस जगह का धार्मिक महत्व भी है। तो यही रास्ते में रुके हैं हम लोग, एक छोटा सा वाटरफॉल है, यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। प्रतापगढ़ फोर्ट महाबलेश्वर हिल स्टेशन से 23 किलोमीटर दूर है और ऑलमोस्ट आपको पहुंचने में लग जाएगा 1 आवर। द प्राइड ऑफ मराठा एम्पायर द प्रतापगढ़ फोर्ट, बिल्ट बाय मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1656। इसके अंदर है महादेव टेम्पल और भवानी टेम्पल। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 17 feet टॉल स्टैचू ऑफ शिवाजी महाराज इन इट्स फुल ग्लोरी। प्रतापगढ़ का ये किला वीर योद्धा शिवाजी महाराज की बहादुरी की कहानी को बखान करता है। तो फोर्ट के टॉप पे आपको देखने को मिलेगा द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। बाकी अगर आप डिटेल में प्रतापगढ़ फोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं, पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है प्रतापगढ़ फोर्ट के बारे में। तो अब हम लोग आ गए हैं महाबलेश्वर टेम्पल, ये काफी पुराना मंदिर है, तो जा रहे हैं इसके दर्शन करने के लिए। महाबलेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, ये एक स्वयंभू शिवलिंग है जिसका इतिहास 800 करोड़ साल पुराना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं पंचगंगा टेम्पल। महाबलेश्वर परिसर में ही है पंचगंगा मंदिर। यहाँ पे एक कुंड है और माना जाता है कि ये 7 नदियों का उद्गम स्थान है, जिसमें से 5 नदियां तो साल के 12 महीने यहाँ पे आके मिलती हैं। वो 5 नदियाँ हैं कृष्णा, कोयना, सावित्री, गायत्री और वीणा। ये 5 नदियाँ महाबलेश्वर का आधार मानी जाती हैं। 2 नदियाँ भागीरथी और सरस्वती अपने मर्यादित समय के बाद ही यहाँ पे आके मिलती हैं। भागीरथी 12 साल में एक बार आके मिलती है जब महाकुंड का आयोजन होता है, और दूसरी नदी सरस्वती का संगम 60 साल में एक बार ही देखने को मिलता है। वीक में है ये अतिबलेश्वर मंदिर, तो अतिबलेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे आप। काफी बड़ी शॉप भी है यहाँ पे, काफी अच्छा सामान यहाँ पे मिल रहा है। ये इसका पीतल है, पीतल है, कितने का? 7000 का है ये। 7000 का है। तो ये चलिए जी, देखिए बहुत ही सुंदर ये जो पीतल का दिया गया है वो हैंडक्राफ्टेड है, यूपी में बनता है। तो आरती जी से हमने यहाँ पे जाना कि बहुत सारी चीज़ों का अच्छा अच्छा कलेक्शन कई सारी स्टेट्स से यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे आके आप पीतल के और वुडन सामान बाय कर सकते हो। तो अब हम लोग आ गए हैं मैप्रो गार्डन। मैप्रो गार्डन यहाँ का एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये पंचगनी में पड़ता है, तो महाबलेश्वर जाते टाइम या आते टाइम, लौटते टाइम
आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो मैप्रो जो है वो एक वेल नोन ब्रांड है इंडिया में, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, उसकी भी शॉप पे मैं आपको लेके चलूंगी यहाँ पे। तो अभी तो खैर स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं है, लेकिन जब स्ट्रॉबेरी का सीजन होता है अराउंड नवंबर दिसंबर में स्ट्रॉबेरी का सीजन आता है, तो यहाँ पे बहुत ही फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं। आप यहाँ पे फार्म विजिट कर सकते हो, स्ट्रॉबेरीज की प्रोडक्शन देख सकते हो जाके। काफ़ी सारे स्ट्रॉबेरीज के मिल्क शेक वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे जब आप सीजन में आओगे, लेकिन अभी यहाँ पे सीजन नहीं है, स्ट्रॉबेरीज खत्म हो चुकी हैं। तो चाहे आप नेचर लवर हो, फूड लवर हो, या एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, फैमिली के साथ आउटिंग करना चाहते हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। पूरी शॉप है यहाँ पे मैप्रो के प्रोडक्ट्स हैं काफी सारे। सोनाली जी क्या है यहाँ पे, आप कुछ बताएंगी शॉप के बारे में, जगह के बारे में? चॉकलेट्स है, मैप्रो गार्डन है जी। यहाँ पर शरबत और चॉकलेट्स मिलते हैं। ओके, यहाँ पर अभी चॉकलेट का टेस्ट नहीं है, आगे आपको क्रश या शरबत का टेस्ट मिलेगा। अच्छा, चॉकलेट आलमंड डेट्स है। ओके, और ये पान चॉकलेट। तो पान वाला भी काफी अच्छा है, एकदम पान का फ्लेवर आ रहा है इसमें। गुआवा की जली, फ्रूट बार है, गुआवा की जली। अच्छा, ये बिल्कुल अमरूद का टेस्ट आ रहा है एकदम, और मसाला भी बनाया आपने। सब चीज़ें बहुत ही टेस्टी थी यहाँ पे। तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब जा रही हूँ मैं सैंडविच खाने। यहाँ का एक सैंडविच है वो बहुत ही फेमस है। अच्छा प्रतीक जी, क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे फेमस क्या है यहाँ का? क्लासिक सैंडविच सबसे फेमस है। अच्छा, कितने का है? 297 है यहाँ पे। वी आर एंजॉयिंग। तो ये फेमस सैंडविच यहाँ की ये है, केसर मिल्क एंड चॉकलेट मिल्क। ये था हमारा पुणे से महाबलेश्वर तक का सफर, और क्या क्या जगह है महाबलेश्वर में घूमने की पूरी डिटेल में बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।